So good evening, everybody. We are here for Spice Remedy Workshop. Since आज अमावस्या है तो मैं ये चाहूंगी कि जिन्होंने ये रेमेडी करी भी है, सिंस मैंने इसको दिवाली पे भी एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था और मैं इसको 4 साल से कर रही हूँ और चीजें दिखती है या नहीं दिखती, पर पता नहीं चीजें होती हैं। अब कुछ चीजें इतनी सटल होती हैं कि नहीं आती, पर कुछ चीजें हमें पॉजिटिविटी के लिए घर में करनी चाहिए। सो फॉर दैट प्लीज आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो आल्सो विद यू, बट अंडरस्टैंड अभी क्या करना है। घर में मिट्टी का बर्तन किसके पास पड़ा है? दिया पड़ा है? करवा पड़ा है किसी के पास? मिट्टी का दिया है नया? यू हैव? मिट्टी का कुछ नहीं है गुरवीन? यू बोथ ऑफ यू हैव? नहीं है? न्यू नहीं है, न्यू नहीं है, नया नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, 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 मिट्टी का दिया नया नहीं है, न्यू नहीं है। दिया है? पर दिया है, कोई बात नहीं, इस बार ही हम वही लेंगे, पुराना ही ले लेंगे और उसके बाद हम नया स्टार्ट करेंगे। मेरे को दिया दे दो ना ऊपर से, तो उसके बाद हम नया स्टार्ट कर लेंगे अगले महीने। बट आज मुझे बताना था, आज बड़ी अमावस्या भी है तो स्पाइस रेमेडी की स्टार्ट करने से पहले आई विल बी शेयर। दिवाली पे मैंने वो वीडियो डाला था, दिवाली वाली अमावस्या, बट इट हैज टू बी डन ऑन एवरी अमावस्या। व्हाट यू नीड टू टेक इज राइट इट डाउन। टेक वन दिया, प्रीति भी आ गई है। हाँ जस्ट होल्ड ऑन प्रीति, हम आपकी रेमेडी कर रहे हैं। देखो ये मेरे पास ये है, मैं इंडिया से लेके आई थी। किसके पास है मिट्टी का ये? Why we use मेरे पास है, है ना? बस तो फिर हो गया काम। प्रीति प्रीति कैमरा खोल। देखो मैंने इसमें कॉइन्स डाले हुए हैं, ये खाली है, जस्ट सी, है ना? सो वी विल टेक 10 कॉइन्स ऑफ हायर डिनोमिनेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ये 11 कॉइन्स है मेरे पास। किसी की नॉइज आ रही है बहुत। सी दीज आर 11 कॉइन्स, दिस इज मिट्टी का ये है ना। वी विल पुट 11 कॉइन्स इन इट, हमने डाल दिए इसमें। इसमें पीली सरसों है और पीली सरसों और ये कपूर, ये लास्ट मंथ का ही डला हुआ है, अभी फिनिश नहीं हुआ। मैं इसमें और कपूर डाल दूंगी। पीली सरसों डाल दी है और ये कपूर, इसको ईस्ट डायरेक्शन में रख देंगे। आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू इफ यू हैव दिस। ये है गुरवीन ऐसा कुछ करवा वरवा मिट्टी का, किसी से मंगवा ले कहीं, वहां मिलता हो कोई चौकीदार वगैरह को भेज के? मैं मंगवा लूंगी। हाँ तो अभी तो आज है, आज ही है। हाँ तो अगर मिट्टी की कोई प्लेट रखी है, बर्तन है, मिट्टी का एलिमेंट क्यों लेते हैं, मिट्टी का बर्तन क्यों लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मिट्टी का बर्तन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। मिट्टी है ना, ये अर्थ एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनी। जिसका अर्थ एलिमेंट यानी मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होता है, जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड होता है, वहां पे क्या होता है कि हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमाएंगे। तो जो मूलाधार चक्र यानी लम जो है ना, नीचे वाला मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व, उसको एक्टिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने अर्थ एलिमेंट को बढ़ाते हैं। तो दिस मिट्टी का इज अर्थ एलिमेंट, राइट, है ना? इसके अंदर वी विल टेक 11 कॉइन्स ऑफ हाईएस्ट डिनोमिनेशन, मतलब सबसे बड़े डिनोमिनेशन का ये है कि 20 रुपए का सिक्का हो सकता है, 10 रुपए का सिक्का हो सकता है। कोशिश करें कि ये सेम मंथ का हो, बहुत अच्छा रहेगा, सेम ईयर का हो, नहीं तो अभी दूसरा भी डाल सकते हैं। देन टेक पीली सरसों और कपूर।
कपूर डाल के इसको इंटेंशन देंगे कि मेरे घर में संपन्नता आती जा रही है, मेरे घर में अबंडेंस आती जा रही है, और इसको ऊपर कहीं खुला हुआ ईस्ट डायरेक्शन में रख देंगे। मैंने ऊपर रखा हुआ है, ये जो कैबिनेट है इसके ऊपर खुला रखा हुआ है, सो दैट इसकी जो खुशबू है वो बाहर जाएगी और ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी विच कैन बी डन एवरी अमावस्या। और अगली अमावस्या पे क्या करना है, इसको फिर चार्ज करना है, देखना है, और इसमें और हमें क्या डाल देना है, नए ये कपूर डाल देना है। प्रीति समझ आया? आप क्या करेंगे, हर अमावस्या के दिन आपने एक बार ही बना दिया, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो और घर में भी करोगे, क्योंकि अबंडेंस हमें हर जगह चाहिए। तो हमने ये ले लिया, इसके अंदर 11 सिक्के डालेंगे, हाईएस्ट डिनोमिनेशन के, 11 10 रुपए का या 20 रुपए का, कोशिश करेंगे कि एक ही ईयर के हो, एक ही ईयर के नहीं हो तो फिर अलग भी चलेंगे। फिर इसमें थोड़ी पीली सरसों और कपूर, देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, वो डाल के हम इसको ऊपर रख देंगे। ठीक है, और इसमें इंटेंशन देंगे कि मेरे घर में, मेरे बिजनेस में अबंडेंस आ रही है, संपन्नता आ रही है। इंटेंशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, विदाउट इंटेंशन हाउ विल इट वर्क, कैसे पता पड़ेगा कि किस लिए काम कर रहे हैं। इसको रख देंगे, तो जब भी ये मिट्टी का बर्तन बोला जाए, है ना, कई सारी रेमेडीज में मिट्टी का बर्तन ही बताया जाता है, तो जब भी मिट्टी का बर्तन बोला जाता है, इट मींस कि हमारी मनी फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसमें कोई स्टील का बर्तन या कांच का कोई कप नहीं लेंगे, इट विल बी दिस ओनली, है ना। आई गेटिंग माई पॉइंट, हम यही लेंगे, इज इट क्लियर। आई विल बी शेयरिंग दिवाली का अमावस्या वाला वीडियो, यू कैन वॉच दैट टू, बट प्लीज डू इट टूडे। आज मिट्टी की आपको कोई प्लेट भी मिल जाए ना इतनी सी, उसमें कर लेना। मैं गुरबीन का कह रही हूँ, भारती के पास होगा, अरेंज कर लेगी, प्रांजल भी कर लेगी, इतना सा करेंगे। अच्छा, कल हमारे शुरू हो रहे हैं नवरात्र, तो कल सुबह उठते ही क्या करना है, हमें अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है, बेदिंग वाटर में हम हमेशा, हाँ दिस इज ओके फाइन, यस यस इट इज ओके, है ना, हाँ 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 दिस विल वर्क। क्या चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए। सो आप क्या करेंगे कल, क्योंकि कल नवरात्र शुरू हो रहे हैं, चैत्र के गुड़ी पड़वा, इट्स अ वेरी बिग दिन हमारे लिए, नया साल है ना। क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो कल अगर आपके लिए पॉसिबल है तो नीम की टहनियां ले आना। यहाँ प्रांजलि को बॉम्बे में तो बहुत आराम से नीम और आम मिलता है वहां पे, सब ले आए हम तो, सब ले हाँ आए, हाँ हाँ जिसको नहीं पता है मैं बता रही हूँ कि नीम नीम ले लेना और आम ले लेना। तो नीम की दरवाजे पे बांध देना है, वो मूली के धागे से लेके, और आम के धागे को क्यों बांधते हैं, क्यों बांधते हैं प्रांजलि ये, ताकि नेगेटिव एनर्जीज नहीं आए अंदर और प्रॉस्पेरिटी लाए। हाँ एंड नीम इज आल्सो मेडिसिनल। हाँ ये हम लोग इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, क्यों इको हो रही है आवाज मेरी, है ना। तो लेकिन ये पुराने, उसमें जब बेबी भी घर में होता है, जब 10 दिन का हो जाता है, तो नीम की माला, नीम का एक लेके उसे जच्चा बच्चा के कमरे के बाहर लगा देते हैं, होता है क्या असाम में, होता है क्या? होता है क्या? तो क्यों करते हैं ये, किसकी आवाज से इको हो रहा है, प्रांजलि मैम जब जब अनम्यूट हो रहे ना तब हो रहा है वो इको ना। हाँ, और ये प्रांजलि होती ना तभी होता है ये, इसको चुप होके बैठना चाहिए बिल्कुल। तो जब ये नीम है, कल जिसके पास है नीम है और आम के पत्ते लेके, भारती को पता होगा महाराष्ट्र में काफी कॉमन है, तो कल जरूर बांधना अपने दरवाजे के बाहर। आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हमें तो यहाँ नीम मिलता है ना आम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ, है ना, बताओ। हम लोग के घर में साथ में पेड़ आम का पेड़ भी है। वन बाय वन क्या कह रही है लीना, नीम का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है मेरे घर में। हाँ, तो यू जस्ट प्लक दोज लीव्स, नीम के पत्ते कुछ तोड़ लेना, टहनिया तोड़ के ऐसे डोरी बना के दरवाजे पे टांग देना, और आम के भी लेना। बॉम्बे में तो मैंने देखा कि घर के बाहर मेन बाजार में वो लेके बैठे रहते हैं पत्ते, बॉम्बे में ये आराम है, सब चीजें मिल जाती है, आराम से खरीद लाओ और लगा दो।
आपको कहीं से तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, गेट एवरीथिंग ओवर देयर इन मुंबई। तो ये कल मेन डोर पे, मेन डोर पे, हाँ घर के, तेरा जैसे हॉस्टल में रह रही है, रूम है तो रूम का डोर, तेरे जो अंदर आने की जगह है। तो ये नीम जो है ना आम घर में नेगेटिव एनर्जीज को साल भर आने से रोकता है, इट इज अ प्रोटेक्शन फॉर होल ईयर। फिर इसको हमें एफर्मेशन के साथ करना है, बिकॉज नाउ वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एफर्मेशन, सो वी विल हैव टू डू इट विद एफर्मेशन। ये कल के रिचुअल्स है जो इम्पोर्टेंट है कल। और फिर आपको क्या करना है, नहाने के पानी में देसी कपूर डालना है इंटेंशन के साथ कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा प्योरिफाई हो गया है, ब्राइट हो गया है। फायर एलिमेंट होता है कपूर, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी एनर्जेटिक हो गए आप। और फिर कल से एक मंत्र बोलना शुरू कर रहे हैं नहाने के पानी में, विच आई डू, मेरे को तो कंठस्थ याद है, आप लिख लीजिए, ओम अमृत, ओम अमृत, अमृत भवे, प्रीति अमृत भवे। मैम ओम अमृत फिर अमृत भवे। हाँ ओम अमृत, अमृत भवे, अमृत वर्षिणी, वर्षा हो अमृत की, अमृत वर्षिणी, सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मेरे को तो याद हो गया दो चार बार बोलने से, ओम अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। स्टार्ट चैंटिंग, आप एक मग ले लो, उसमें ये 9 बारी मंत्र को बोल के आप नहाने लग जाओ। अब इससे क्या होगा कि आपने वाटर को चार चपटी, प्लीज लिसन टू मी वेरी दिस थिंग बिकॉज आई ऑफन डू इट, है ना, आई जस्ट डू इट, जो हो रहा है रेस्ट, यू नो कि ऑरा कैसा स्ट्रांग हुआ है या नहीं है, दैट यू विल हैव टू टेल मी अबाउट माई ऑरा। बट लीना ये आप ऑब्जर्व करना आपके ऑरा में क्या चेंज आया। यू विल नॉट बी अ वीक पर्सन, पीपल विल बी स्केयर्ड ऑफ यू बिकॉज योर ऑरा इज स्ट्रांग, अदर पर्सन इज वीकर, है ना। सो गलत चीजें आपके सामने नहीं होंगी। एंड एट द सेम टाइम जब हमने मंत्र बोला पानी में, सपोज दिस इज माय बेदिंग मग, नहाने का है ना, अब मैंने इसमें बोल दिया हाथ में लेके, ओम अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। ओम अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरुकुरु स्वाहा। आई से इट 9 times, उसके बाद मैंने नहा लिया, मतलब जो पानी से मैं नहा रही हूं वो मेरे जीवन में ओम अमृत अमृत भवे, ये पानी अमृत के समान हो गया है, अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी, मेरे जीवन में अमृत की वर्षा हो, है ना, अमृत अमृत भवे अमृत वर्षिणी सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। यही तो चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, अमृत चाहिए जीवन में। जब हम पानी से ये नहाते हैं तो हमारा शरीर इतने परसेंट पानी का, 80% बोलता है कोई, 85% बोलता है कि हमारा शरीर पानी है। तो हमारे शरीर के जो पोर्स है, जो पोर्स है हमारे शरीर के पोर्स, उसके जरिए वो हमारे बॉडी में जाएगा, है ना। और हम धीरे धीरे अगर रोज ये चैंटिंग कल से शुरू करेंगे, स्पेशली ये कल से शुरू करें, कपूर भी डालेंगे क्या? कपूर बाद में डाल देना, इसके बाद नहाते वक्त लास्ट में, ये तो रोज ही बोलना है, कल की बता रही हूँ, कपूर तो बाद में डालना, एक मग में लास्ट में आराम से कपूर लेना, उसको ऐसे करना, देखिए कपूर है ना, ये तो ये हो गया, इसको बस ऐसे कंबल क्रम्बल करके ऐसे डाल देना इसको। मैं फिर बोलना है? हाँ पानी में डाल देना और नहा लेना मैम। ये पढ़ के फिर ना? नहीं, क्या करना है, हमने मग में पानी लेना है नहाने वाला, शुरू में भी ले लेंगे, इसमें मंत्र बोला और डाल लिया पानी अपने ऊपर धीरे धीरे, ठीक है। मतलब मैम कपूर से कुछ नहीं है ना? कपूर बाद में करेंगे ना, आफ्टर दिस लेटर, लास्ट रेंस। अब समझ आ रहा है कि नहाने की इम्पोर्टेंस कितनी है। एक सादा शावर लेना
और एक उसमें एनर्जाइज करके शावर लेना में फर्क है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सटल बॉडी की, हम यहाँ बात करते हैं एनर्जी बॉडी की। हम कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। अगर हमारी मनी एनर्जी फ्रिक्वेंसी हाई है, हमने दालचीनी का भी इस्तेमाल करना है, कल तिथि का दिन नहीं है, कल तिथि है, पहली तिथि है ना, कल बहुत सारे काम करने हैं सुबह, कल सुबह उठ के बांदर वाल ना के बांध देनी है, नया साल शुरू हो रहा है, मेरे को तो काम है नहीं क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है, पर आप लोग को करना है तो कर सकते हो। देन यू टेक बाथ, उस बेदिंग वाटर के अंदर आपने आपका ये मंत्र बोल दिया, एक पेपर पे लिख के ले जाओ, बाथरूम में पढ़ के डाल लेना, मग में बोल लेना, और फिर क्योंकि वाटर हैज मेमोरी, हम जानते हैं पानी की याददाश्त होती है, पानी में हम जो बोलेंगे पानी वैसे ही एनर्जी ले लेगा, उसके बाद हम उसको यूज कर लेंगे। देन लास्ट रिंस कपूर लेंगे, कपूर की टिकिया को एक मग में डाला और अपने उससे ऑरा को क्लेंस कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, चार्ज कर लिया कपूर से। ठीक है, इतना सा हमें कल करना है, कपूर का तो कल करेंगे, रोज भी कर सकते हो, नवरात्र नवरात्र करके देखो क्या चेंज आता है। नमक से तो हम रोज करते हैं ना, नमक बंद कर दो अभी एक वीक के लिए, आप ये वाली रेमेडी कर लो। ठीक है मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो मंत्र है ये मग में लेके बोलना है या बाल्टी में ही पूरा वो चैंट करके फिर हम नहा लें? बाल्टी में, अगर यू टेक बाथ इन अ बकेट, वैसे कई लोग कहते हैं हम तो शावर बाथ लेते हैं, है ना, तो शावर बाथ लेते हैं तो फिर मग में लेना पड़ेगा, बकेट में बोल लो पहले, बहुत ही अच्छा है। 3-9 बार ही बोलना है, आपको याद हो जाएगा, मुझे याद हो गया, तुम्हें भी याद हो जाएगा, 2-4 दिन में ही याद हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ओम अमृत अमृत भवे, अमृत वर्षिणी, सुख समृद्धिम वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, याद हो गया ना। सो दिस इज अ वेरी गुड मंत्रा फॉर बेदिंग, आप नहाते वक्त अपने पानी में बोल के रोज नहाइए, इट विल रियली हेल्प यू, इट विल रियली रियली हेल्प यू। अच्छा, अब क्या करना है, कल हमें कुछ राइस लेने हैं, राइस के दाने लेने हैं, जो कल ही करना है। तो राइस क्या होता है, राइस के टुकड़े नहीं होते, हम कोई चीज को बो सकते हैं, चावल को बो सकते हैं क्या, चावल को मिट्टी में बो सकते हैं क्या, नहीं, धान को बोते हैं, जो चावल के ऊपर छिलका होता है उसके साथ होता है तो बोते हैं, चावल अपने आप में अखंड है, उसको कोई खंडित नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उसको अपने पर्स में 5-7 दाने लेके कल अपने वॉलेट में, कल बहुत दिन शुरुआत है, अच्छी इंटेंशन के साथ उसको अपने वॉलेट में रखेंगे हम। मैं कुछ दाने चावल के, कुछ दाने चावल के हाथ में लेके, जैसे हम कनेक्ट होते हैं इंटेंशन के साथ, अपने वॉलेट में रख लीजिए कल, कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। जैसे चावल जो मैं पर्स में रख रही हूँ अखंडित है, उसका खंड नहीं होता है, वैसे ही मेरे जीवन में अखंड समृद्धि समृद्धि बनी रहे। एक और करना है विच विल बी वेरी न्यू फॉर यू, और ये चाइनीज फेंगशुई रेमेडी है, वो है कि आपने एक वो ले लेना है, ऑरेंज संतरा लेना है, भले ही आप इसको अपने लव्ड वन को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, आप एक ऑरेंज ले लो, ऑरेंज के अंदर लौंग डाल लगा दो, 2-4-5 लौंग सजा दो, उसमें इंटेंशन बोल के, ये जो ऑरेंज है ये काय का प्रतीक है, ये है चीयर का, चीयरफुलनेस का, कि आपका पूरा साल चीयरफुल रहे और एबंडेंट रहे, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसे कल, और इसको रेड बॉल के अंदर रख दो या रेड पेपर के ऊपर करके दे दो उसको। रेड क्या होता है, रेड वेल्थ का सिंबल है, जैसे कि मैम ऐसा ऑरेंज किसी को देंगे तो फिर वो कुछ बोलेगा नहीं लॉन्ग देख के तो मत देना, अपने घर में रख लेना। We are just bringing cheerfulness. उसकी जो एनर्जी है, मैं चाइनीज फेंगशुई की बात कर रही हूँ, फेंगशुई में ऑरेंज देते हैं, इसकी जो स्मेल आती है घर में, आप कल तो रख लो, एक ऑरेंज लेके उसमें लौंग लगा के उसमें इंटेंशन देखे कि मेरे घर में cheerfulness आ रही है, abundance आ रही है, ये छोटे छोटे से कल कर डालो पूरे साल के लिए, और रेड कपड़े में या रेड उसमें रख लो।
मैम वो निगेटिव करते हैं लोग, जो दे सकते हैं जैसे कि मेरी मदर इन लॉ रोज ऑरेंज खाते हैं, तो अगर मैं उनको वो वैसे करके दूं तो वो खा ले अगर उसके बाद, तो नहीं खाने के लिए नहीं है ये, केवल रूम में जो उसकी अरोमा छेद है ना। हाँ और तू पूछ लेना वो गलत जो ये कह रही है ना प्रीति की, गलत मतलब ना निकाले, क्योंकि नींबू पे लोग गलत चीजें करते हैं। हम यहाँ कुछ भी गलत नहीं सीख रहे हैं, हम केवल वो कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में एबंडेंस लाए, चीयरफुलनेस लाए, एंड दिस इज चाइनीज फेंगशुई रेमेडी जो कल नए साल पे वो लोग देंगे। कल चाइनीज न्यू ईयर भी शुरू होगा ना, फेब्रुवरी में शुरू होता है, सॉरी चला गया उनका, अपना शुरू हो रहा है, पर अपन भी ये करेंगे। रीना आर यू गेटिंग इट? मैम ये रूम में कहीं पे रख देंगे ना मैम? हाँ 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 रख देना, देख उसमें से स्मेल आएगी संतरे की, एक अजीब सी खुशी, मीठी मीठी सी सिट्रस वाली। सो ये आज जो रेमेडीज मैंने दी हैं ये कहीं मिलेगी नहीं बुक्स कोई वीडियो में कहीं, आज मैंने अभी बैठ के तैयार करी है और रिसर्च करके बनाई है और अभी दी है। आई हैव रिसर्च अंडरस्टूड कि ये क्यों करना है हमें। तो चेयरफुलनेस पे हमने कुछ भी नहीं किया था कि चेयरफुल एनर्जी रहे। आपके पास संतरे भी कभी पड़े हो ना, उसे इंटेंशन करके उसमें लौंगे लगा के आप कमरे में रख दो इंटेंशन के साथ कि मेरी मेरे इसमें चेयरफुल है सारा एनवायरनमेंट, एबंडेंट है, एक स्मेल भी आएगी उसमें सिट्रस वाली, फ्रूटी सिट्रस की फ्रेश स्मेल की रखा है, आता है ना, पता पड़ता है ना पुदीना रखा है, पुदीना पुदीने की चटनी है क्या, पुदीना है क्या घर में, तो छुपती नहीं है चीजें। ये हम कुछ गलत चीजें यूज नहीं करी, हमें नेचर ने दिया है और हम इसको अपने घर में लाने के लिए कर रहे हैं। हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं हल्दी पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, पर हम संतरे पे लगा रहे क्योंकि ये हमें ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव स्पेल है क्या, इसमें लौंग लगा दी, तो ये कह रही हो ना? नहीं मैम हम नहीं ना, जैसे हम नहीं मैम कि कोई भी कोई अगर ऐसे लौंग घुसा के ऐसे देंगे तो मैम वो समझ सकता है कि क्या। हाँ तो मत दो, अगर ऐसे वहम आता है तो मत कर, तुम्हारे वहां होता है क्या पहाड़ों पे? मैम हम नहीं, अपने घर में तो कर सकते हैं ना। हाँ अपने लिए तो करना है, अपने को तो पता है अपन तो इंटेंशन क्या रख रहे हैं। जी मैम बल्कि जैसे आपने संतरा लिया, यह छोटे छोटे से संतरे आते हैं हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं, मैं मंगाती हूँ एक बारी, रुको एक बारी दिखाती हूँ। यहाँ इतने इतने से आते हैं, उनको मैंडरिन बोलते हैं, इतने इतने से, उसमें बीज भी नहीं निकलते हैं, नींबू जैसे होते हैं और एकदम मीठे जूसी मीठे मैम यहाँ भी होते हैं मैम पहाड़ में भी, पर छोटे होते हैं पर बहुत खट्टे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना, बीज होते हैं ना कुछ होते हैं, तो उसको आप लगा के आप बड़े संतरे पे लगा दो और लगाने के बाद ये देखो मुट्ठी में आ रहा है ये मेरे, बहुत मीठा संतरा है ये, एंड यू नो इट इज सीडलेस, इसको इसको इतना पतला छिलका, आई तो मेक फेस पे पैक ऑफ इट, इसको सुखा देती हूँ और ये पूरा का पूरा गल्पिट डाउन, ना इसमें बीज निकालने पड़ते ना कुछ पड़ते हैं, इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है ये। अब इसमें मैं अगर लौंग लगा दूंगी रख दूंगी ऐसे करके, क्या है ना मैम छिलके थोड़ा लौंग लगाएंगे ना मैम, ऐसे बंद में तो लौंग लगाएंगे? हाँ हाँ छिलका नहीं छीलना है, ऐसे बंद में लगाना है, दो चार दिन नवरात्रों में जरा एनर्जी को हाई कर लो ना अपनी। जी मैम देखो मनी एनर्जी है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए हमें ये करना, और कल सिनेमन पाउडर वाली रेमेडी भी करनी है सुबह सबको, अभी पीस के रख लो सुबह। मैम मेरा मिस हो गया मैम, क्या करना है, फूकना है ना मैम घर? दालचीनी को आप पीस के रख लो मैम, पाउडर भी आता है उसका रेडीमेड मैम, आप कहाँ लेने जाएगी मैम? है मेरे पास है ना, तो बस उसको साफ करके उसको इंटेंशन से, वैसे मैंने ये बोला था फर्स्ट क्लास के अंदर कि आप जो भी हो ये जितनी भी रेमेडीज हैं वो अलग रखो लाके पैकेट वगैरह सारे, और कोशिश करो कि साबुत लाओ, जैसे ये भारती के घर में पेड़ लगा है, पौधा लगा है, ये जो माला सी पहनी ना सर पे लॉरल लगा के बैठती है ये रोज, है ना, ये इसके घर पे लगा हुआ है, ये तो फ्रेश पत्तियां तोड़ के इसने बना लिया, पर हम जो बाजार से लाए हैं अच्छे अच्छे तेज पत्ते लाए, अच्छे वो लेके आए और फिर उस पे करें, और आज का दिन क्या है, आज मेडिटेशन का भी दिन है मैम, रेडीमेड बॉक्स है मैम सिनेमन पाउडर का, तो वो चल तो सकता है कल?
हाँ चल सकता है, उसको इंटेंशन देना, उसे जी वो मैम। करना, पर कोशिश करना अपना अलग ही यूज करें। कल प्रांजलि करना है, ये रेमेडी करनी है। मैम क्या करना है इस क्या करना पाउडर इस से? पाउडर से? दालचीनी दालचीनी का पाउडर का पाउडर मनी मनी के के इससे, इससे, हाँ हाँ ये तो सबको ये पता तो है, बहुत सबको पता, ज्यादा बहुत रेजोनेट ज्यादा करता रेजोनेट है। करता है मैम। तो मैम आप प्रांजलि का खुलते प्रांजलि ही का तो खुलते आवाज ही सुनते मीठी आवाज होती है, हमको। बंद करो प्रांजल। हाँ तो आप क्या करोगे, पाउडर लोगे हाथ में, उसको इंटेंशन देके कि मेरे घर में अबंडेंस आ रही है। आप बाहर से अंदर आते हुए सब जगह फूंक मारते हुए आना, ये मैं चाहती हूं हमेशा करो। कोई फर्स्ट को करता है, कोई प्रथमा को करता है, मैं तो ये कह रही हूं कि कल से 21 दिन करो ना, कुछ मनी फ्रीक्वेंसी हाई करो ना अपनी। किसी की फर्क पड़ी है क्या मनी फ्रीक्वेंसी में? भारती तेरे क्या फर्क पड़ा है, मैम कहना है अपनी। घर के अंदर फूंकते हुए आएंगे इसको पाउडर को। हाँ उड़ाते हुए फूंकते हुए, फूंकना मैम मतलब तो हैंड आगे पता भी होता है, मैं चाय कोई पी कोई भी हैंड पे ले लेंगे ना मैम, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ नहीं ना। दोनों पे ले। हाँ ले ले, लेफ्ट से चेहरा किसी में भी ले ले, दोनों पे लेके ऐसे उड़ाते हुए अंदर काफी सारा पीस के रख लो। ये करना है कल। नंबर वन क्या करना है, उठ के नहाना है। नहा के हमें आजकल की रेमेडीज ही कर रहे हैं हम, उठ के नहाना है। नहा के हमने नहाने वाले उसमें मंत्र बोलना है अमृत वाला, और उसके बाद लास्ट रिंस हमने कपूर के पानी में, कपूर उसमें स्प्रिंकल करके उससे करना है। उसके करने के बाद आएंगे हम बाहर, नीम और आम के पत्ते की वो लगाएंगे, बांदरवाल। अब बांदरवाल बनाने के लिए मूली का धागा ले सकते हैं, पत्ते बांध देंगे, लगा देंगे बाहर। अब आप रेडी हो, जब लगा दिया फिर आप अंदर आओगे, जब बाहर बांध दिया फिर आप अंदर आओगे, तो फिर आप ये दालचीनी लेके जाना उसे फूंक मारते हुए कि ये मेरा साल, नया साल जो लगा है, ये नया साल है हमारा, देशी गुड़ी पड़वा है कल, तो बहुत संपन्न हो, समृद्ध हो, बहुत बड़ा दिन है कल, जितने भी उपाय होने वाले हैं वो कल बहुत अच्छे होंगे। हाँ आसाम में तो 14 को है नया साल, हम लोग कोई का बात नहीं। बिहू होता। हाँ हाँ मतलब सबके अपने अपने रहते हैं, पर कल नवरात्रि का भी, चैत्र नवरात्रि का भी कर पहला लूंगी, दिन कल है कर लूंगी। ना, और कल सबको लाल कपड़े पहनने, शैल पुत्री का दिन है, कल ट्यूसडे है, कल लाल कपड़े पहनेंगे सारे, लाल कपड़े ही पहनने हैं कल, लाल कपड़े पहन के ये सारी चीजें हम कल करेंगे। फिर उसके बाद हमने चावल लेने हैं, उसमें प्रे करके अपने वॉलेट में डालना है। सब अबंडेंस की बात हो रही, पैसे के अलावा हम कुछ बात नहीं करते भैया। और धीरे धीरे हमारे मनी ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। प्रांजल इसका एग्जाम्पल है, कैसी रोती हुई आई थी ये, है ना? मैं तो चाह रही हूँ, मैं तो बिकॉज चाह रही शेयर हूँ बिकॉज करनी है यस मैम पीस, है ना? ठीक है ना, तो शीज एग्जाम्पल। अब इसको लेके फिर इसको रेड हम कोई बर्तन में किसी में भी रेड पेपर पे ये संतरा हम रख देंगे, क्लियर? ठीक है, क्लियर प्रीति? जी मैम। चलो अब हमने क्या करा, कुछ क्वेश्चन है क्या? गुरवीन, अच्छा जिनको अपने इन-लॉज के लव और रिस्पेक्ट नहीं मिलता उनके लिए है, मैंने शायद कराया ये, पर जो नए हैं वो दोबारा करवा देती हूँ। किसी का है इन-लॉज का चक्कर यहाँ? तू फिर भी कर लेना भारती, तेरे को तो मिलता है और मिले। और गुरवीन को तो लव स्पेल बनाना है अब, है ना? अब जब हम लव स्पेल बनाएंगे तो हमें पुरानी सारी जो हमारी पुरानी चीजें हैं, है ना, तो मैंने एक स्विच फ्रेज दिया था कल, एक रील बनाई थी, आवाज क्लियर नहीं थी, उसमें मैंने बोला था हमिंग बर्ड, रील देखी होगी, हमिंग बर्ड हम मनी के लिए यूज कर रहे हैं कि मनी से रिलेटेड जितनी भी सारी पास्ट की वो हो, लेकिन गुरवीन तू हमिंग बर्ड चैंट कर अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेके। ठीक है।
हमिंग बर्ड हम यूज करते हैं जो, आज मैंने ना, एक मेरे पास पूनम है, कल आएगी वो क्लास में, थर्सडे वाली क्लास में आएगी, तो वो मुझे बोल रही थी, मैंने उसको चैंटिंग करवाई क्योंकि उसको अभी कुछ पता नहीं है, ज्वाइन तो कर लिया था पर क्लास में नहीं आ रही थी, 5 मिनट मैंने लिए होंगे, वो उसी में इमोशनल हो गई। और मैंने जो स्विच वर्ड उसके लिए लिया था, स्विच क्या ये वाला जिसको हम बोलते हैं ना अभी, करेंट डिफ्यूजिंग वर्ड लिया था मैंने, उसी से उसका काम हो गया, है ना। तो गुरवीन, बिफोर यू प्रोसीड फॉर सम एनी गुड रिलेशनशिप फर्दर, बिकॉज यू हैव बैकलॉग, पास्ट के फियर पड़े होंगे तुम्हारे, है ना, दो रिलेशनशिप खराब हुए हैं, एक नहीं दो, तो ये डर होगा, इच्छा तो है रिलेशनशिप में जाऊं आगे, लेकिन मेरे डर होगा पीछे का कि मैंने इतना पेन सहा है, इतनी सारी चीजें हुई है। तो बिफोर यू प्रोसीड फॉर एनी न्यू रिलेशनशिप, आपको पहले अपनी एनर्जीज को क्लियर करना पड़ेगा। अब आपकी एनर्जीज कैसे क्लियर होंगी, जो हम स्विच वर्ड्स बोल रहे हैं, पहले खुद के साथ देखो, तुम्हारी ये वाली हिस्ट्री तो मैं जानती हूँ, तो मेरे सामने ही सब कुछ हुआ है 2 सालों में, 3 सालों में, ठीक है। 21 में तुम मिली थी, 21 में मुझे भारती मिली थी, और जब भारती आई थी उसी टाइम पे मेरी वर्कशॉप हुई थी तुम्हारे साथ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, है ना, ये दोनों 7 टाइम के हैं, और उसके बाद इसके साथ क्या क्या हो गया, आई नो इट, गुरवीन के साथ। तो अब अगर नई लाइफ में जाना है मुझे, तो सबसे पहले प्रीति, यू डोंट वांट टू अटेंड गो इनटू न्यू लाइफ, तुम्हारा मन नहीं करता, जी मैम, मेरा मेरा इस यहाँ भी सब कचड़ा ही था मैम, पहले भी मतलब क्या ही बताऊँ मैम। तो मन नहीं करता आगे जाने के लिए कोई रिलेशनशिप में, मैम जी मैम क्यों नहीं अगर कोई मिले तो स्टेप लोगी, जी मैम। मैम वो तो घर वाले तो बोलते हैं मैम कि कर लो मैम, कौन से घर वाले और बच्चे, इतने बड़े बच्चे हैं तुम्हारे, पापा 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 और फादर इन, जस्ट जी मैम। फादर इन, नहीं हाँ मैम फादर ओके, और बच्चे, मैम बच्चे भी बच्चे तो कितने बड़े हैं तुम्हारे, तो मैम, मेरी 12th पास आउट हुई है बेटी मैम, और बड़ी है दूसरा ना, जी बड़ी मैम है ना, वो एक्सेप्ट करेगी दूसरा जी फादर, जी मैम, वो तो बोलती है कि आपने कुछ नहीं देखा है लाइफ में, तो पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ सेट हो, फिर मेरा तो होता रहेगा, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है ये वो सब। ठीक है। अगर हम दिल से चाहते हैं कि आई एम टू यंग एंड मेरी लाइफ बहुत लंबी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जो एक एक्सपीरियंस मेरा खराब निकला, मेरा आगे भी खराब निकले, इससे तो वी आर अकेले हम खुश हैं, है ना। तो उसके लिए पहले हमें सारे दर्दों पे काम करना है, सारे पेन्स पे काम करना है, और उसके लिए फिर हमें पहले ये स्विच वर्ड्स को बहुत बोलना है, और ये बोलने के बाद हमें इससे बाहर निकल के फिर हम स्पेल करेंगे लव स्पेल्स, रेमेडीज। पर हमारे पास सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, हमारे स्विच वर्ड्स हैं जो हमें पहले हील करेंगे। तो उस दिन जो हमने मेडिटेशन किया था, लोगों का बहुत एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो बना के पोस्ट भी करा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप करके उसने टाइटल डाला है, मैंने पोस्ट भी किया उसके साथ, करके देखना। कुछ थोड़ा सा काम करो गुरवीन, तुम और प्रीति दोनों, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस लेके बैठे हो, जब जी तक वो मैम क्लियर नहीं होंगे फिर एनर्जी वैसे की वैसी रहेगी, और वैसे ही चीजें लाइफ में आएंगी, है ना। तो पहले हमें अपने बर्तन को साफ करना है, जिसमें अंदर बहुत गंदगी लगी हुई है, और उसमें कुछ भी खाना डालेंगे तो वो भी सड़ जाएगा, है ना। जी तो मैम एज अ हीलर, प्रांजल, लीना, जो भी आते हैं हमारे लाइफ में, अगर हम किसी को गाइड करते हैं, कोई ब्रोकन रिलेशनशिप से आया है और बहुत गंदा वाला चीजें देखी है, तो वो दर्द रहा होगा, रहेगा, और डर भी रहेगा आगे जाने के लिए। तो उसके लिए पहले हम जो स्विच वर्ड की क्लास वाले हैं सारे यहाँ, वो जो डिफ्यूजिंग वर्ड्स है, डिफ्यूजिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे इमोशंस को, हमारे उस पेन को डिफ्यूज कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमें उनको चैंट करना है और उससे उस दर्द को खत्म करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जर्नी के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन लॉज की, तो अगर इन लॉज को हमें अपना करना है तो क्या लेंगे, राइट इट डाउन, 7 नॉट्स ऑफ होल टर्मरिक, 7 गांठे हल्दी की लेंगे, सात गांठे हल्दी की लेंगे, एक
पीतल का टुकड़ा लेंगे, ब्रास का टुकड़ा बाजार में मिल जाएगा बर्तन की दुकान पे, ब्रास का टुकड़ा लेंगे, थोड़ा सा गुड़ लेंगे, तो जब भी वो इन लॉज के घर के पास जाए तो वो उसकी तरफ फेंक दे या वहां कहीं रख दे, ताकि वो हमेशा वहां सेफ रहे। ये क्लाइंट को देने वाली भी है, ताकि वो हमेशा सेफ रहे और हैप्पी रहे। हाँ भी भारती, मैम, इसको घर के बाहर हमारे बाउंड्री में बहुत सारे पौधे हैं, तो वहां पे नीचे में लगा दूं, रख दूं बस नीचे जाओ में वहां पे जमीन में? और रख दे। हाँ इंटेंशन है ना, ठीक है। आते होंगे ना इन लॉज वाले बहुत सारे लोग। अब किसी को अगर एडिक्शन है तो ये पहला सैटरडे आ रहा है ना, शुक्ल पक्ष का पहला सैटरडे जो कि अब आएगा। शुक्ल पक्ष मतलब जब फुल मून, नो मून से अमावस्या से जब दिन बढ़ते हैं ना, तो आज मंडे है, कल पहला होगा। सैटरडे को क्या करेंगे? 11 हल्दी की गांठें, ग्यारह हल्दी की गांठें लेंगे, उसको मूली के धागे से बांध देंगे, और हल्दी की गांठें भी ना उसी के हाथ से लेंगे, कि वो अपने हाथ से दे दे, उसका हाथ लगवा लेंगे। अगर वो सो रहा है ना तो उसका हाथ लगवा लेंगे सोते में भी, और फिर उसके ऊपर 11 बार सिर पे से उसके उसार के बहते हुए पानी में डाल देना है, और 7 सैटरडेज करेंगे ऐसे कंजिक्यूटिवली, कंजिक्यूटिवली लगातार। मैम गांठे मैम सर से घुमानी है फिर? 7 बारी घुमानी है गांठे, उसके हाथ से ही लेनी है 11 गांठें, उसके सर पे घुमानी है और फिर पानी में बहा देना है। 8 सैटरडेज अपन ये करेंगे अल्कोहल एडिक्शन के लिए। आपने से पैसे पढ़ोगे? हाँ प्रांजलि, हम पीरियड्स में है, मान लो एक सैटरडे क्या सेकंड सैटरडे को अभी मेरे पीरियड्स खर्च में थे आ गया तो उसमें फिर वो नहीं कर सकते? क्यों नहीं करेंगे? पीरियड से क्या लेना देना? चलेगा बिकॉज यू आर टेकिंग द हाँ मेरे हेल्दी, पास, इसलिए पूछ रही। चलिए ले, घर में बोलते कि हल्दी की गांठ को हाथ नहीं लगाओ, कैप्टन जैसे भी रखते। किसी और से करवा लो। वैसे रिचुअल्स में कुछ धर्म से रिलेटेड है नहीं, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और आएंगे पीरियड्स, पीरियड्स तो आएंगे ही ना, 11 से इतने 8 करेंगे तो कभी ना कभी तो आएगा ही, नहीं तो वो टूट जाएगा, नहीं कर सकते। मैम किसी भी टाइप का एडिक्शन के लिए ना, हाँ ज्यादा ड्रंकर्ड के लिए, शराबी के लिए ये। आपको क्या करना है? कल एक सुपारी लेनी है, कल भी ले सकते हैं।
मेक अ स्वस्तिक आउटसाइड योर डोर विद वर्मिलन. आपने क्या लेना है? वर्मिलन जानते हो क्या होता है? रोली. आप स्वस्तिक बनाओगे कल बना लेना, ये भी कल कर सकते हो. बीच में चावल लगाना. आप दरवाजे के साइड में बनाना, नीचे की साइड में, पैरों में नहीं आए, साइड में बनाना. बीच में चावल रखना और उस पे एक सुपारी रख देना, मोली से बंधावा बांध के. समझ रहे हो? कॉर्नर दरवाजे में पैरों में नहीं आए, साइड में बनाना स्वस्तिक. पैरों में नहीं आना चाहिए स्वस्तिक जो बनाते हैं ना, बीच में पैर लगा लेते हैं. नहीं, बिल्कुल कॉर्नर पे लगाना है और उसके बीच में चावल रखने हैं और उसके ऊपर मूली रख देनी है, वो सुपारी और मूली बांध के सुपारी रख देनी है. ये भी मनी, जितनी भी चीजें हैं ना, ये प्रॉस्पेरिटी को बुलाती है. घर में सुख शांति आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, यही होता है इन सब चीजों से करने से. अच्छा, मैं आज क्या करूंगी, आज मैं ना पुराने वीडियोस भी शेयर कर दूंगी. जो मैंने कर दिए क्या शेयर वीडियोस? आई विल शेयर पुराने वीडियोस आल्सो. और जो कल जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी ना, उसमें मैं कुछ स्पेल्स देने वाली हूँ. आज इतना ही करेंगे, आज तैयारी करनी है हमें, लेट हो जाएंगे बहुत, है ना. अभी ऑलरेडी 8:20 हो गए हैं और अपना अभी 9 बजे तक भी क्लास चल सकती है, 9:30 बजे तक भी, कितना भी कर लो. तो हमें अभी तैयारी करनी है अपनी, क्या करना है, ये सब भर के अंदर रखना है ना, अभी दीपक पे मिट्टी का वो लेके. इसलिए आज हम इतना ही करेंगे. कुछ डाउट है कल के रिचुअल्स का तो बता दो. कल के रिचुअल्स मैंने सारे बता दिए, ठीक है? क्लियर प्रांजलि, इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? व्हाट यू विल डू टुमारो? मैं दो डाउट्स है. हाँ, आपने जो कॉइन्स बोले, 5 के डिनोमिनेशन बोले, अगर 5 के डिनोमिनेशन वाले नहीं हो, 5 के नहीं, हाईएस्ट डिनोमिनेशन, मतलब क्या? 10 रुपए का सिक्का सबसे बड़ा होता है, 20 रुपए का सिक्का सबसे बड़ा होता है इंडिया में. अभी तो 10 के है, 1 के है, 5 में तो एक दो कॉइन होगा. नहीं, 5 नहीं चाहिए, 10 रुपीज के ही 11 सिक्के चाहिए. तो जाके इकट्ठे कर लो अभी. हाँ, कॉइन्स ही चाहिए. आप जाके किसी दुकान से ले आओ, पान की दुकान कहीं से भी जाके, बाहर किसी को भेज के मंगवा लो. अभी ज्यादा लेट नहीं हुए और अपन आज रात को रख सकते हैं. और कल अगर सुबह टाइम है किसको, तो कल हम चेक बनाना सीखेंगे. आज मैं जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि वो चेक कल ही बनेगा, अबंडेंस चेक, वो कल करेंगे. तो कल सुबह का टाइम कितने बजे का दूं, क्योंकि कल बनता है वो अबंडेंस चेक, हमें सीखना है वो बनाना, वो कल बनेगा. तो आप अपना चेक लेके आना कल, और मैं सिंबल भी दूंगी कल. अबेंडेंस चेक अमावस्या के अगले दिन बनता है हमेशा. सो आज हम अभी वाइंड अप कर रहे हैं क्लास, एंड टुमारो वी विल लर्न हाउ टू मेक अबेंडेंस चेक. कितने बजे क्लास रखूं? 11 बजे? 11 नहीं, 11. कल पूजा भी तो होगी तुम लोग के यहाँ, कितने बजे रखूं क्लास? सो टुमारो वी विल मीट फॉर अबेंडेंस चेक. बताओ कब बनाना है? 12 बजे का रख दो. ठीक है, 12. सो टुमारो वी विल मीट फॉर